हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल इलेक्ट्रिक मीटर में। आज मैं आपको जो होम इन्वर्टर कनेक्शन होते हैं वो मैं बताऊंगा, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि ये हम अपने दो फैन और तीन बल्ब को इन्वर्टर से कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा मेन मीटर रहेगा, ये हमारा मेन स्विच रहेगा, और ये हमारा इन्वर्टर। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ट्यूबलेट बैटरी, आप यहाँ पर कोई भी बैटरी ले सकते हो, छोटी या फिर बड़ी। ये हमारा लाइट इंडिकेटर रहेगा, लाइट आएगी तो ये चालू हो जाएगा, लाइट जाएगी तो ये ऑफ हो जाएगा। और ये हमारे कुछ स्विच हैं, और ये सॉकेट है, 5 पिन टाइप सॉकेट होगा जो कि स्विच के जरिए चलेगा, जो हमारे एक्सटर्नल अप्लायंसेस चलाने के लिए काम में लिया जाएगा। और ये स्विच हम टीवी में चलाएंगे, ये स्विच हम फ्रिज में चलाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो सॉकेट लिए थे, इसका यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक बार बाद में बताता हूँ इसका। तो दोस्तों, कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पर रेड वायर ले रहा हूँ। मेन मीटर में पहले हम सप्लाई दे देंगे फेस की, और यहाँ पर हम न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। और ऐसे ही हमारा जो मेन मीटर से जो आउटपुट निकलेगा, जो हमारे घर की तरफ निकलेगा, वो हम यहाँ पर इस सॉकेट में दे देंगे। और ये जो फेस होगा वो हम इस सॉकेट में दे देंगे। अब दोस्तों, इन्वर्टर का कनेक्शन करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले बैटरी कनेक्ट करनी है। तो मैं सबसे पहले बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पर अलग अलग पैन यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये लाल वायर फेस का है और ये ब्लैक वायर न्यूट्रल का रहेगा हमारा। दोस्तों, अब हमारे बैटरी अटैच हो गई है, तो उसके बाद हम इन्वर्टर के जो मेन सप्लाई से कनेक्ट करते हैं वो हम वायर यूज़ करेंगे, जो कि हमारी ये फेस में अटैच हो जाएगा और फिर न्यूट्रल वाला न्यूट्रल में अटैच हो जाएगा। दोस्तों, इन्वर्टर के साथ सॉकेट आता है, तो इसके आप ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप सॉकेट में ऐसे ही अटैच कर सकते हो। अब दोस्तों, हम यहाँ पर सभी में, हमारा जो सभी अप्लायंसेस है उसमें हम डायरेक्टली न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देंगे। तो हम न्यूट्रल यहाँ से ले सकते हैं, जो कि हम इन पैरेलल सभी अपने अप्लायंसेस में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने न्यूट्रल सभी में कनेक्ट करवा दिए हैं। अब जैसे कि दोस्तों, हमें ये फ्यूज़ है, जो लाइट इंडिकेटर है, हमें ये हमारी वापडा जो होती है, मेन लाइट जो होती है, उससे करवाना है। तो अब हम यहाँ से इसे न्यूट्रल दे देंगे, और यहाँ से जो लाइट इंडिकेटर का है फेस, वो हम फेस में अटैच करवा देंगे। दोस्तों, कनेक्शन बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर स्विच के कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, इन्वर्टर के फेस के लिए मैं ये थोड़ा येलो वायर, येलो पेन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। इन्वर्टर का फेस हम लेंगे। दोस्तों, आप सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इन्वर्टर के फेस चेक कर लीजिए। सबसे ज़्यादातर तो इन्वर्टर में फेस लेफ्ट साइड ही आता है, फिर भी आप चेक करके अटैच करिएगा। मैं हर स्विच में अटैच कर देता हूँ। दोस्तों, आप स्विच यहाँ से देख लीजिए, मैं ये दो पंखे और ये तीन लाइट चलाना चाहता हूँ। तो दो पंखे इस स्विच के लिए और दो लाइट हम इस स्विच के लिए, तो हम यहाँ तक अटैच कर देंगे। और दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो अलग से सॉकेट मैंने लगाया है, जैसे कि मोबाइल चार्ज के लिए या फिर एक्स्ट्रा एमरजेंसी अप्लायंसेस यूज़ करने के लिए हम इन्वर्टर से अटैच करना चाहते हैं, तो हम ये वाला स्विच भी इससे कनेक्ट करवा देंगे। और इस स्विच का जो दूसरा पार्ट होगा वो हम इस सॉकेट के लेफ्ट साइड में लगा देंगे। सॉकेट पे लिखा होता है दोस्तों पहले से ही, L और N करके, उसके हिसाब से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम मैं यहाँ से
न्यूट्रल वायर इस सॉकेट में देना चाहता हूं, तो मैं यहां से ये न्यूट्रल का वायर जो है वो इस सॉकेट में अटैच कर दूंगा, ताकि जैसे स्विच ऑन करेंगे हमारा इन्वर्टर से लाइन आ जाएगी और मेन जो न्यूट्रल होगा वो हमारे इस सॉकेट में आ जाएगा और ये हमारा सॉकेट वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे कि दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ से न्यूट्रल नहीं लिया, क्योंकि न्यूट्रल जो इन्वर्टर के साथ मैंने जो सॉकेट अटैच किया था, मेन वायर जो इन्वर्टर का है, वो सभी में पहले से ही कनेक्टेड है, मैंने पहले कनेक्टेड कर दिए हैं। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पर स्विच का ये पार्ट इसमें अटैच करूँगा दोनों पंखों में। जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा यहाँ से इन्वर्टर का फेस पंखे को मिल जाएगा, और इन्वर्टर का जो न्यूट्रल है वो आप चाहे तो यहाँ से दे सकते हो, लेकिन उसके लिए दोस्तों वायर का एक्स्ट्रा, मतलब कि बोले तो एक्स्ट्रा वायर ही यूज़ होगा, बाकी आपका इसमें कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो इसलिए आप मेन जो हमारा न्यूट्रल होता है वहाँ से ही आप सभी में कनेक्ट कर दीजिए, तो वहाँ से इन्वर्टर न्यूट्रल दे देगा। तो सभी में पहले कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों हमें ये चीज़ 3 लाइट और 2 बल्ब इन्वर्टर से चलानी थी, तो मैंने यहाँ पर ये इन्वर्टर का फेस दे दिया है स्विच के जरिए, और अब हमें ये टीवी और फ्रिज इन्वर्टर से नहीं चलाना, जो कि हमें मेन सप्लाई से चलाना है। तो हमें ये मेन सप्लाई का जो वायर है वो मैं अब इस स्विच में दूंगा, इस स्विच में दूंगा दोस्तों, ये वाला इस स्विच में दे दूंगा, और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा स्विच में वो मैं इस टीवी में, और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो मैं इस फ्रिज में दे दूंगा, ताकि यहाँ से हम स्विच ऑन करेंगे तो न्यूट्रल पहले से ही अटैच है और फेस हमने अटैच कर देंगे स्विच ऑन होते ही, तो हमारा टीवी और फ्रिज स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा कनेक्शन कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।